टाइम के साथ साथ पुराने ड्रामे ख़त्म हो जाते हैं और नए ड्रामे आ जाते हैं। कुछ ड्रामास को शायकीन बहुत पसंद करते हैं और कुछ को मुंह भी नहीं लगाते। आज मैं ऐसे ही कुछ पाकिस्तानी ड्रामास की बात करने वाला हूं जिनको देखने वालों ने बहुत पसंद किया। ये ड्रामास अभी भी ऑन एयर होते हैं। इन ड्रामास की ये लिस्ट मैंने व्यूअरशिप की बिना पर बनाई है, तो चले मजीद टाइम वेस्ट किए बगैर इन ड्रामास की लिस्ट की तरफ। पहले नंबर पर है ड्रामा सीरियल दीवानगी। जियो टीवी पर ऑन एयर होने वाला ड्रामा दीवानगी इस लिस्ट की टॉप पर है, जिसकी वजह इस ड्रामे की इंगेजिंग स्टोरी लाइन और एट्रैक्टिव कास्ट है। ये ड्रामा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी शौक से देखा जाता है। इस ड्रामे की स्टोरी में दिलचस्पी और मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो ड्रामा है उसका नाम है इश्किया। ARY डिजिटल पर नशर होने वाला ड्रामा सीरियल इश्किया भी लोगों के दिलों में घर बना चुका है। और क्यों ना बनाए, पाकिस्तान में तो वैसे भी 10 में से 9 अफराद इश्क का शिकार हैं, तो इश्किया ड्रामा वो क्यों ना देखे। इस ड्रामे में भी एक लड़का और लड़की बगैर निकाह की यूनिवर्सिटी में मिलते हैं, और जब लड़की का रिश्ता कहीं और हो जाता है तो वो दोनों आशिक एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं, जो आवाम को अर्तवरल चस्का पापड़ की तरह मजीद चस्का फराम करती है और उनकी दिलचस्पी इस ड्रामे में मजीद बढ़ जाती है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है ड्रामा सीरियल प्यार के सदके। हम टीवी पर नशर होने वाला ड्रामा सीरियल प्यार के सदके भी पीछे ना रहा। इस ड्रामे के किरदारों ने अपनी मुनफरिद और मासूमाना एक्टिंग से लोगों के दिल जीत लिए। इस ड्रामे के किरदार अब्दुल्ला और माजबीन की शादी हो जाती है, लेकिन अब्दुल्ला के नन्हे मुन्ने वालिद का दिल माजबीन पर आ जाता है और इसी तरह स्टोरी आगे बढ़ती जाती है। मैंने तो ये ड्रामा इधर तक ही देखा है। अब्दुल्ला माजबीन को छोड़कर शांसे से शादी क्यों कर लेता है, कमेंट सेक्शन में मुझे इस बारे में बताएं। इसके बाद चलते हैं ड्रामा सीरियल राज उल्फत की तरफ। ड्रामा सीरियल राज उल्फत ने अपनी कास्ट और स्टोरी से शायकीन को अपनी तरफ माइल कर रखा है। इस ड्रामे की स्टोरी कुछ यूं है कि एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की की दोस्ती यूनिवर्सिटी में एक अमीर लड़की से हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में भी ख्वाहिशें आती हैं कि वो भी उसकी तरह अपनी मर्जी से बगैर लिमिट्स की जिंदगी इंजॉय करे। उसके साथ घूमते फिरते उसको एक लड़के से प्यार भी हो जाता है, लेकिन उसके वालिद उसकी शादी अपने कुलीग से करा देते हैं जिसकी बीवी कैंसर से मर चुकी होती है और उसके घर में 2 छोटे बच्चे होते हैं। इस तरह वो लड़की मुश्क सैंडविच की तरह अपने वालिदैन के फैसले और अपनी मोहब्बत के बीच फंस जाती है, और ऐसे ही इस ड्रामे की स्टोरी आगे बढ़ती है। लिस्ट में जो नेक्स्ट ड्रामा है उसका नाम है ड्रामा सीरियल दिलरुबा। हम टीवी पर नशर होने वाला ड्रामा सीरियल दिलरुबा आजकल के नामहरम रिश्तों को हाईलाइट करता है और बाद में वो लोग कैसे पछताते हैं इस बारे में बताता है। इस ड्रामे में भी एक लड़की सनम एक नहीं 2 नहीं 3 लड़कों को अपनी खूबसूरती से झूठी मोहब्बत का दावा करके फंसाती है और उनसे खूब लोड लेती है और खूब खर्चे करवाती है। सनम की शादी बाद में उसके कजन से हो जाती है, और जब उसको इसके माजी के चक्रों के बारे में पता लगता है तो उनके बारे में सोचते सोचते ही उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। सनम बेवा हो जाती है और वो भी उन 3 लड़कों की तरह दुख भरी जिंदगी गुजारती है, जो उस पर ऐसे पिसले थे कि जैसे ही लड़की नहीं बल्कि केले का छिलका हो। और इस ड्रामे की स्टोरी ऐसे ही आगे बढ़ती है। यहाँ करते हैं इस वीडियो का अख्तिताम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। इनमें से कौन सा ड्रामा आपका फेवरेट था कमेंट में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। अगर कोई ड्रामा छूट गया हो तो उसका नेम कमेंट्स में मेंशन करें। ऐसी ही मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।